Hello everyone, welcome to. I hope you all are doing fine. अगर हम बात करते हैं अबाउट द पे होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एटीपी किया जाएगा और वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, वहां पे एनर्जी. बट अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. यहाँ पे एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन है, यहाँ पे आप से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट होने वाला है फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इसमें से आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ वो है डिफ्यूजन. ये वाला पार्ट हम लोग और डिस्कस. डिफ्यूजन कैन, वॉट इज सिंपल डिफ्यूजन, है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अगर हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड की बच्चों, फिर इस केस में आप सॉल्व होते हैं बिकॉज पैसिव ट्रांसपोर्ट से हमारे या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे जो भी पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल गैशियस मॉलिक्यूल वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं. सम मॉलिक्यूल्स कैन डायरेक्टली पेनिट्रेट दी मेम्ब्रेन, बट अगर कोई बड़ा प्रोटीन है तो या फिर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो उनको जरूरत पड़ती है कुछ प्रोटीन. दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन कॉल्ड एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं. यस, सिंपल डिफ्यूजन मीन्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेट इट्स लोकल हम बोलते हैं डिफ्यूजन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. डिफ्यूजन रेट इज आल्सो वेरी स्लो, मॉलिक्यूल्स पर सेकंड. इट इज डन डायरेक्टली बाय लिपिड बायर, डायरेक्टली लिपिड लेयर से होता है, जरूरत नहीं पड़ती. गैशियस मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं इस तरीके से. जो भी हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल द अदर गैशियस मॉलिक्यूल्स ये सारे के सारे बच्चों पास होते हैं बाय द सिंपल डिफ्यूजन. गैसेस लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों ये हमारे डायरेक्टली पास हो जाएंगे. मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑल दीज गैशियस मॉलिक्यूल्स दे कैन डायरेक्टली क्रॉस द मेम्ब्रेन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो हमारा रेट होता है डिफ्यूजन का वो डिपेंड करता है उनके कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. जितना ज़्यादा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा उतना ही ज़्यादा इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन देखा जाएगा. अब एग्जांपल में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से होता है गैशियस एक्सचेंज की लंग्स. अब होता क्या है बच्चों, तो होता ये है कि जो भी हमारे बॉडी का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाएगा, ये पहले तो जाता है हार्ट में और फिर हार्ट से जो भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है हार्ट क्या करता है तो उसको लंग्स की तरफ पंप आउट करता है और लंग्स से फिर जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो आता है हमारे हार्ट की तरफ. सो जो प्रोसेस है कन्वर्शन ऑफ दिस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये परफॉर्म होता है लंग. ये हमारे इन एल्वियोलर सेल्स ये वाला देखने को मिलेगा. As we all can see, students, सबसे पहले क्या हो रहा है, there is inflow of this oxygen depleted blood. हमारा ऐसा ब्लड एंटर कर रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीटेड है, जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम प्रेजेंट है. सो वॉट विल हैपन, इस ब्लड कैपिलरी में क्या हो जाएगा, इस ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन कम प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है. जो ब्लड एंटर कर रहा है लंग वहाँ पे क्या कंडीशन, ऑक्सीजन हमारा कम प्रेजेंट है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज्यादा प्रेजेंट है. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, CO2 ज्यादा है तो CO2 इस वेसल में ज्यादा है ना, तो CO2 इजीली एल्वियोलर सेल्स की तरफ जा सकता है और ऑक्सीजन कम है ब्लड वेसल में. अगर ऑक्सीजन ब्लड वेसल में कम है और जो भी हमारा ये एयर जो भी आप न्यूली फ्रेश ब्रीथ कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट रहेगा. व्हाट विल हैपन, हमारे एल्वियोला में ऑक्सीजन ज़्यादा है वेसल में कम है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल में आएगा
और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे कम था बाहर ज़्यादा था, तो CO2 जो वेसल में ज़्यादा था बाहर कम था, तो वो भी जाएगा उस एल्वियोलाई सेल के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये एल्वियोला सेल काम करने, तो इस तरीके से होता है अल्टीमेटली हमारे ब्लड का ऑक्सीजन, ब्लड का इसे ऑक्सीजन कि यहाँ से एंटर करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जब वो इस एल्वियोला से पास होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, होगा दैट द गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस, इट विल रिलीज ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोला एंड विल टेक अप ऑल द ऑक्सीजन को ले लिया है, CO2 क्या है, तो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग। तो कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है बच्चों पैसिव डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन में दो एग्जांपल्स पढ़ते हैं, एक हमने देखा है गैशियस एक्सचेंज का, एक और एग्जांपल पढ़ा जाता है दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है हम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन मेम्ब्रेन, ये देखा जाएगा टिप में, फ्रूट टिप में देखा जाता है गोइंग ऑन, तो बाहर पानी ज्यादा है वो जब पानी वेरी शॉर्ट और दी एसिड शॉर्ट